Hello friends, welcome to Unacademy Studio Vault. Now this is our time to discuss regarding the SBI Clerk Mains. कल हमने मॉक टेस्ट ली थी, काफी हमारे दोस्त कल मॉक टेस्ट के लिए प्रेजेंट थे. सो आज हम लोग करंट अफेयर्स से आगे बढ़ते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस रिगार्डिंग द दिस पर्टिकुलर बैंकिंग अवेयरनेस और द इकोनॉमिक अवेयरनेस, उसकी बात करेंगे, उसके ऊपर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं. तो कल के मॉक टेस्ट में काफ़ी लोगों ने अच्छे से परफॉर्म किया. दो तीन हमारे दोस्त लोग थे, आउट ऑफ आउट भी मार्क्स जा रहे थे. सो आज हमारा टाइम है रिगार्डिंग बैंकिंग अवेयरनेस डिस्कस करने का. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द बैंकिंग अवेयरनेस थ्रू MCQs. ओके, सेम जो कल पैटर्न हमने फॉलो किया था उसी पैटर्न के थ्रू हम लोग आगे बढ़ेंगे. एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस इन अ सेम मैनर. कुछ क्वेश्चन आपके लिए रहेंगे, वो क्वेश्चन स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम के अंदर आपको सॉल्व करने हैं. क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद में आई एम गोइंग टू टेक द डिस्कशन ऑन दैट. तो उन क्वेश्चंस के ऊपर मैं डिस्कस करूंगा. सो गुड इवनिंग एवरीवन. अभी भी हमारे दोस्त हमें जुड़ रहे हैं, सो गुड इवनिंग गाइज. सो सेम जैसे जिस तरीके से हमने कल डिस्कस किया था उसी एंगल में, उसी तरीके से हम लोग आज क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं. पर आज हमारा फोकस रहेगा, आप यहां देख सकते हो, बैंकिंग अवेयरनेस विल बी अवर फोकस. तो उसके ऊपर के क्वेश्चन है, कुछ 20-23 क्वेश्चन है. बट ऑल दोस क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस. पहले आप लोग सॉल्व करोगे और बाद में उसके ऊपर मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा. ओके तो दोस्तों ये हमारा आज का लेक्चर पैटर्न रहेगा. और उसके बाद कल तो मेरा लेक्चर नहीं, कल और परसों मेरा लेक्चर नहीं रहेगा, डायरेक्टली मैं मंडे को मिलूंगा. और मंडे को हम लोग 50 क्वेश्चंस ऑन बैंकिंग अवेयरनेस एंड द फाइनेंशियल अवेयरनेस सब कुछ हम लोग कवर करने वाले हैं. या स्टैटिक पार्ट भी आएगा. आज हम लोग नॉर्मली बैंकिंग अवेयरनेस के ऊपर आएंगे, पर जो ओवरऑल स्टैटिक पार्ट है, जीके का स्टैटिक पार्ट जो होता वो भी मैं आपके लिए कवर करूंगा मंडे और ट्यूजडे के अंदर. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. ओके सो उत्कृष्ट सर, शायद आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे. चलो मैं आगे बढ़ता हूं, हमारा टाइम बर्बाद नहीं करते रिगार्डिंग दिस जो डेली क्लासेस मेरे होते हैं. सो ये डेली क्लासेस मेरे दो टाइम में रहेंगे, जनरल अवेयरनेस 4 to 5 मंडे टू एक्चुअली फ्राइडे रहेगा, सैटरडे नहीं है, मंडे टू फ्राइडे रहेगा. और यहाँ पे भी फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, सो आई एम गोइंग टू कवर अप द लेक्चर्स. सो यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स का रहेगा, हम डेली करंट अफेयर्स में आज फिर से एक बार मिलेंगे. यस, LIC ADO भी होने वाला, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वीक दो दिन जो रहेंगे, दो दिन मैं डेडिकेट करूंगा SBI क्लर्क को, वो पहले कवर कर देते हैं क्योंकि वही सारी चीजें अगेन वहां पे कवर करनी है. और LIC पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, वो दो दिन चलेंगे हमारे. तो मैं उस तरीके से पूरा नेक्स्ट वीक LIC ADO और SBI क्लर्क दोनों एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू मेंशन करूंगा, तो आपको दिक्कत नहीं जाएगी. ठीक है, तो ये दो टाइमिंग्स है. इसके अलावा दिस इज ऑल अबाउट माय द एजुकेशन क्वालिफिकेशन. सर करंट अफेयर्स, मोनिका मैम, करंट अफेयर्स ऑलरेडी कवर कर चुका हूं मैं. कल ही हमारा पूरा करंट अफेयर्स का पार्ट कवर हो गया. एक लास्ट टेस्ट रहेगी 50 मार्क्स की, जिसके अंदर फिर से एक बार करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो हम फिर से एक बार सॉल्व करने वाले हैं. तो आपको दिक्कत नहीं जाएगी, आप पुराने एक बार लेक्चर्स देख लीजिए, करंट अफेयर्स के MCQs डिस्कस किए हुए. पूरा करंट अफेयर्स डिस्कस करने के लिए वैसे भी टाइम नहीं था, सो इसलिए मैं नहीं कर पाया. ये Unacademy Plus का मेरा प्रोफाइल है, जिसके अंदर आप आके चेक भी कर सकते हो कि एग्जैक्टली किस तरीके से रहेगा. ओके इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे सब्सक्रिप्शन मोड है हमारा. इस सब्सक्रिप्शन मोड में भी आप आ सकते हो. फ्रॉम 1 month से लेकर 24 months तक का हमारा सब्सक्रिप्शन मोड होता है, जो भी आप यूज कर पाओगे, जहाँ पे आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा अगर आप ये मेरे नाम का कोड यूज कर सकते हो तो. ओके सो अगर आप ये कोड यूज करते हो तो यू विल गेट द इंस्टेंट डिस्काउंट. ओके PDF सर मैं एक काम करता हूं, आई विल पुट द PDF ऑन जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर मैं PDF डाल देता हूं. ओके आज रात में मैं PDF डाल दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जो इसी नाम से बना हुआ है. ओके सो दैट विल द सिनारियो. सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यू विल गेट द 10% डिस्काउंट जब भी आप Unacademy Plus का सब्सक्रिप्शन लोगे, तो उसका भी फायदा उठाइए. मैं वहाँ पे RBI ग्रेड बी वाली बैच स्टार्ट करने वाला हूँ बहुत जल्दी, तो आपको उसका भी फायदा हो पाएगा. सो दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू. तो इसी सब्सक्रिप्शन के अंदर आप मेरा RBI ग्रेड बी का भी बैच अटेंड कर पाओगे, तो आपको दिक्कत नहीं जाएगी. ठीक है, सो यही है 10% डिस्काउंट वाला जिसकी मैंने बात कर रहा था. ठीक है, नाउ इट्स टाइम टू गो फॉर एंड इट्स टाइम टू स्टार्ट अवर टूडेज टेस्ट. आज की टेस्ट स्टार्ट करने का टाइम आ गया है. ओके ठीक है, सो एवरीवन इज रेडी फॉर दैट. सब लोग रेडी है, पहले मुझे आपका हेड्स अप दे दीजिए कि आप लोग रेडी हो या नहीं हो. ओके सर टेलीग्राम मैम, टेलीग्राम ग्रुप का नाम सेम है, Unacademy Studio Vault, उसी नाम से टेलीग्राम ग्रुप रहेगा. इसी नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, Unacademy Studio Vault. ओके सो एवरीवन इज रेडी, बिकॉज टूडे अगेन वी आर गोइंग टू डिस्कस इन अ सेम मैनर. जैसे हमने कल डिस्कस किया था उसी तरीके से हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, सेम तरीके से.
तो आप प्लीज, आप लोग प्लीज आंसर यहां पुट मत कीजिएगा, आंसर अपने पास नोट करके रखिए। जैसे जिस तरीके से आपने कल सपोर्ट किया था, तो आप अपने आंसर्स अपने पास पुट करके रखिएगा, आंसर्स कोई मेंशन नहीं करेगा, हम बाद में सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। ओके चले स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, आपका टाइम अभी स्टार्ट हो चुका है, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से, आंसर अपने पास मार्क करके रखिए, कोई यहां पे मार्क नहीं करेगा। सिंपल क्वेश्चन है, सारे के सारे बैंकिंग अवेयरनेस और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। ओके सो इट्स ऑलमोस्ट, टाइम इज ओवर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके यस डन, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा। अमित सर आंसर मत दीजिए, अमित सर आंसर अपने पास मेंशन करके रखिए, आंसर मत दीजिए। ओके गुड, वेरी गुड अमित सर, सो इट्स लास्ट 10 seconds। फॉर दिस क्वेश्चन यस टाइम्स अप, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए प्रॉपर तरीके से। ओके गाइज यस आराम से पढ़िएगा, ऐसे क्वेश्चंस में गलतियां बहुत होती है। यू आर हैविंग 35 seconds। So time for third question is over. Yes, question number 4. Yeah, read the question carefully. Technical terms जब आती है तो बहुत दिक्कत जाती है, अच्छे से पढ़िएगा। Yes, almost done. Yeah, next question. Good. बड़ा सिंपल है ये क्वेश्चन, ठीक है, इट्स ऑलमोस्ट डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यस मार्क कीजिए आराम से। यस फाइन, या इट्स 10 seconds लेफ्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ओके चलो डन, जो लोग अभी अभी हमें ज्वाइन हुए हैं, हम लोग बैंकिंग अवेयरनेस के MCQs के आंसर्स हमारे दोस्त लोग लिख रहे हैं, तो आप उनके आंसर्स अपने इसमें लिख के रखिएगा, और जब ये खत्म हो जाएंगे 23 क्वेश्चंस हैं, एंड देन आई एम गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चंस विद यू पीपल। ओके क्वेश्चन नंबर 7 इज गोइंग ऑन। ओके टाइम इज ऑलमोस्ट डन। यस इट्स टाइमिंग सर, आई एम नॉट यूजिंग मोबाइल, इट्स टाइमिंग ओवर हियर फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। सर अभिषेक सर आंसर मत कीजिएगा, आंसर अपने पास लिख के रखिए।
better way, you should focus on the questions rather than what I am doing. Okay. Yeah, next question. This is question number 9. Okay, read the question carefully. Shayad nahi dikh raha hoga to. Acche se padhiye question ko. Yeah, done. Okay. Kuch cheeze अभी रिसेंटली चेंज हुई है इस बैंकिंग अवेयरनेस में, सो यू हैव टू फोकस ऑन दैट. या गुड. कुछ नहीं, टेंशन मत लीजिए. ओके, आई विल टेल यू व्हाट टू डू. आई विल टेल यू क्या करना है इस चीजों का. या दैट्स बैंकिंग अवेयरनेस. करंट अफेयर्स लोगों को बहुत ईजी जाता है, बट वेन इट कम्स टू बैंकिंग अवेयरनेस इट इज समटाइम्स वेरी टफ. सो विल कवर, डोंट वरी अबाउट दैट. आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग. ओके, चलो नेक्स्ट. ओके, रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 12. यस, ऑलमोस्ट टाइम इज ओवर फॉर दिस क्वेश्चन. Some questions are big. Yeah, done. This is a simple question. Yeah, it's live. It's live only. Everyone is solving the questions. That's why I'm not talking any much. इट्स एस बी आई क्लर्क मेन्स एग्जाम गोइंग ऑन. एस बी आई क्लर्क मेन्स के लिए बैंकिंग अवेयरनेस का मॉक चल रहा है, सम 20-25 क्वेश्चन का. सो एवरी वन इज सॉल्विंग. या डन. ठीक है, इज अनादर क्वेश्चन. ओके, चलो. या डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. या रीड दिस क्वेश्चन केयरफुली. इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, यहां पे गलतियां बहुत हो सकती है आपकी. प्लीज यहां पे आंसर मत कीजिएगा, थोड़ी देर से हम डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, सो टाइम फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फिनिश. नेक्स्ट क्वेश्चन. सर पहले टेस्ट तो खत्म होने दीजिए. मोहित सर, सबके आंसर्स आएंगे, सबके आंसर्स आएंगे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16. नाउ ओनली 4-5 क्वेश्चंस रिमेनिंग. ओके, सो इट्स ऑलमोस्ट डन.
Question number 17. Read the question carefully. Yeah, lengthy questions will kill sometimes. Lengthy questions are always easy because much of the information they are giving in that questions, but sometimes they are killing the flow. ठीक है, ये भी थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, पर बड़ा इजी है. So its time is almost over. Yeah. No. आज today we are only having 23 questions, not 50 questions today. Okay. क्योंकि कुछ चीज़ें हमें एक्सप्लेन करनी है, किसके आंसर्स कैसे हैं, क्या है, किसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, तो मुझे वो एक्सप्लेन भी करना है आज. तो आज इसमें 23 क्वेश्चंस रहेंगे. ओके, जो मंडे को मैं आऊँगा तो मंडे को 50 क्वेश्चंस के साथ आऊँगा. ओके, चलो डन. या रीड दिस क्वेश्चन, इस इज बिट लेंथी क्वेश्चन. Yes, time is almost over. Yes, done. Chalo. This is quite easy. It's most easy question. This is the easiest question. Nahi, kal mera class nahi hai. सैटरडे संडे मेरा क्लास नहीं रहेगा. ओके, बट आपकी एग्जाम के पहले वाले सैटरडे में क्लास रखने वाला हूँ, तब मैं आपका टेस्ट लूंगा, लंबा बड़ा वाला. सैटरडे को मेरा क्लास नहीं है. ओके, चलो नेक्स्ट. थोड़ा सा वक्त हमें भी मिल जाए दोस्तों. That's why there is no class on Saturday. But we'll come up with a viral video. One of my student who cracked the RBI exam. So, uska ek viral video leke main Sunday aapke samne aunga. Uska information aapke saath hum share karenge. Okay. Last time aapne dekha hoga, UCO Bank PO ka hamara ek student tha. Okay. So, this is question number 22. This is second last question. Okay. So it's almost over. So this is the last question of today's test. Aaj ke test ka last question hai. Okay. Dhyan se solve kijiyega. Bada simple question hai. Theek hai. So 6 5, 4, 3, 2, 1 and done. Okay, so that's all guys. So these are the 23 questions we saw. Okay, aaj 23 questions the. So now this is all about the today's thing. So abhi aage badhte hain, aaj ke answers dekhenge. So how was the test, kaisa tha, kitne aaye, kitne solve kar paaye, कितने हुए? यस गाइस, डन. चलो, चार स्किप कर दिया अरविंद सर ने. चलो कोई बात नहीं, काफी अच्छे से पेशेंस से आप लोगों ने सॉल्व किए, काफी लोग नए जुड़े थे. ओके, कल के उतने लोग तो नहीं आए, आज थोड़े लोग कम है, कोई बात नहीं. वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज, हमें सारे के सारे डिस्कस करने वाले हैं अभी कि एग्जैक्टली कैसे है, क्या होते हैं और किस तरीके से काम करेंगे. ओके, बट उसके पहले, आगे जाने से पहले,
आज के दिन की दो बड़ी न्यूज है. सुबह सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग वी गॉट द वन न्यूज रिगार्डिंग रामन मैगसेसे अवार्ड. ओके, रविश कुमार जी को ये अवार्ड मिला हुआ है. सो फर्स्ट विल डिस्कस रिगार्डिंग रामन मैगसेसे अवार्ड एंड देन देयर इज अ सेकंड न्यूज जो अभी अभी दोपहर में आई हुई है. अ बैड न्यूज फॉर द इंडिया. इंडिया अभी तक सिक्स्थ रैंक पे था वर्ल्ड इकोनॉमी के कंसिडरेशन में, पर वर्ल्ड बैंक के हिसाब से नाउ इंडिया इज ऑन द सेवंथ रैंक. सिक्स से हम फाइव जाने का ख्वाब देख रहे थे, पर एक रैंक हमारा नीचे आ गया है. हमारा जीडीपी ग्रोथ थोड़ा सा नीचे आ गया है. दो न्यूज हमारे पास है और दोनों न्यूज, एक न्यूज तो मैं बाद में आपके साथ डिस्कस करूंगा क्योंकि वहां पर डिटेलिंग करनी पड़ेगी, पर रामन मैगसेसे वाला चीज हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं. दो बड़ी न्यूज है आज के दिन की, दोनों बड़ी न्यूज याद रखना. एक हमारे लिए अच्छी न्यूज है कि हमारे किसी जर्नलिस्ट को अवार्ड मिला हुआ है, मैगसेसे अवार्ड, एशिया का नोबल प्राइज जिसको हम लोग कहते हैं. और दूसरी न्यूज़ यह है कि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक इंडिया का रैंकिंग 6 से 7 आ चुका है हमारे ग्रोथ स्टाटा के हिसाब से. एंड दिस इज द सिनेरियो. ओके, चलो अब बढ़ते हैं हमारे इस सेक्शन के तरफ जहां पे मैं रामन मैगसेसे आपके साथ डिस्कस करूंगा. ओके, सो रामन मैगसेसे वाज अ प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस. सो उनके नाम पे ये अवार्ड नॉर्मली हम लोग देते हैं. इस बार पांच लोगों को ये अवार्ड मिला है. दो जर्नलिस्ट हैं. ओके, वन फ्रॉम द म्यांमार, ये भी जर्नलिस्ट है, एंड द इंडियन रविश कुमार साहब, ये भी जर्नलिस्ट है. ओके, शी इज ऑल्सो फ्रॉम द थाईलैंड बट शी इज अ ह्यूमन राइट वर्कर. ह्यूमन राइट वर्कर है, उनको भी अवार्ड दिया गया है. ओके, नाउ म्यूजिक के लिए ही गॉट द अवार्ड फॉर द म्यूजिक. ही इज फ्रॉम द फिलीपींस एंड द साउथ कोरिया के अच्छे स्पीकर है साउथ कोरिया के, एंड ही गॉट द अवार्ड फॉर दैट. तो वी आर हैविंग द टोटल फाइव पीपल दिस ईयर दे गॉट द रामन मैगसेसे अवार्ड. ओके, इंडिया के कम से कम मोर देन 55 और 56 के आसपास लोग हैं इंडिया के जिनको अभी तक रामन मैगसेसे अवार्ड मिला है. 2009 तक दोस्तों, 2009 तक की अगर बात करें तो 2009 तक रामन मैगसेसे अवार्ड के कैटेगरीज थी, छह कैटेगरीज थी. उन छह कैटेगरीज में अवार्ड मिला करते थे, पर 2009 के बाद कैटेगरीज मर्ज कर दी और बाद में एट रैंडम उन्होंने प्रेजेंट करना शुरू कर दिया रामन मैगसेसे अवार्ड. उसकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपके लिए है. इसको एशियाज नोबेल कहते हैं, याद रखिएगा. 1957 को के रामन मैगसेसे जो प्रेसिडेंट के फिलीपींस के प्रेसिडेंट थे के उनके नाम पे ये अवार्ड स्टार्ट किया गया और वन ऑफ द वेरी लार्जेस्ट अवार्ड. द अवार्ड इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्मल सेरेमनीज इन मनीला फिलीपींस. फिलीपींस में जो सेरेमनी होगी 31 अगस्त को, तो 31 अगस्त को ऑफिशियली अवार्ड प्रेजेंट किया जाएगा और हर साल प्रेजेंट हम लोग करते हैं. तो ये इंफॉर्मेशन याद रखिएगा, स्पेशली दिस. सो 1957 ओके, एस्टैब्लिश इन 1957 इन द मेमोरी ऑफ रामन मैगसेसे, फिलीपींस के प्रेसिडेंट है. ओके, और ये 31 अगस्त को मिलते हैं. लास्ट टाइम सोनम वांगचुक जो हमारे लेह लद्दाख में जिनके खुद के एनजीओज है, काफी अच्छा रिसर्च करते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे बहुत अच्छा काम करते हैं, उनको लास्ट टाइम ये अवार्ड मिला था. इस बार हमारे जर्नलिस्ट को अवार्ड मिला हुआ है. दैट इज अ मोर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए. एक और है दोस्तों, यहां पे अभी तक जिन जिन इंडियंस को रामन मैगसेसे मिला उन सबका लिस्ट है. विनोबा भावे जी से स्टार्ट हुआ था. ओके, सो नियर अबाउट 55 to 56 इंडियंस दे गॉट द रामन मैगसेसे अवार्ड. सो इन सबके नाम यहां पे डाल के रखे हुए. इसका पीडीएफ मैं रात में हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो आपके पास भी इंफॉर्मेशन रहेगी, तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन एंड बी रेडी टू फेस क्वेश्चंस ऑन रामन मैगसेसे, क्योंकि मेरे करंट अफेयर्स के मंडे के सेशन में मैं रामन मैगसेसे के ऊपर काफी क्वेश्चंस आपको पूछने वाला हूं, तो उसके लिए रेडी रहिएगा. विल बी गुड फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, तो यह पहला लिस्ट था. यह हमारा दूसरा लिस्ट है जहां पे और हमारे हैं सत्यजीत रे जैसे बड़े फेमस लोग हैं. ओके, सुब्बा एमएस सुब्बालक्ष्मी, उनको भी ये रामन मैगसेसे अवार्ड मिला हुआ है. सो यू हैव टू गो थ्रू दिस पर्टिकुलर लिस्ट. ये भी एक दूसरी लिस्ट है हमारे पास. ओके, नाउ इसके अलावा कैन सी दीज आर द अदर पीपल. किरण बेदी जी को ये अवार्ड मिला हुआ है. ओके, महाश्वेता देवी जी को ये अवार्ड मिला हुआ है. अरुण शौरी साहब को भी ये अवार्ड मिला था. ओके, सो काफी फेमस इंडियन पर्सनैलिटीज है, दे गॉट दिस एशियाज नोबल प्राइज. ओके, इसके अलावा यू कैन सी ओवर हियर अरविंद केजरीवाल जी को 2006 में ये अवार्ड मिला था. ओके, सो वन ऑफ द अनदर वेरी फेमस पर्सन. ओके, मंदाकिनी आमटे के, सो उनको भी अवार्ड मिला है फॉर हर एनजीओ वर्क, वन ऑफ द वंडरफुल वर्क शी नॉर्मली यूज टू डू. ओके, एंड दिस इज द लास्ट जो अभी रिसेंट में मिले हुए, लास्ट ईयर सोनम वांगचुक और भारत वाटवानी, मैंने जिनके बारे में आपको मेंशन किया था. ओके, सो ये रिसेंट में मिले हुए हमारे कंट्री के लिए जिनको रामन मैगसेसे मिला, और अभी रविश कुमार साहब है. ओके, सो ही गॉट द रामन मैगसेसे अवार्ड. ठीक है, सो दिस इज आर द लिस्ट ऑफ रामन मैगसेसे विनर्स फ्रॉम इंडिया.
याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट अवार्ड होता है और बड़े बड़े मशक्कत के बाद ये अवार्ड नॉर्मली मिलता है और एक बहुत प्राउड मूवमेंट है इंडिया के लिए. ओके, देर आर मेनी पीपल दे डोंट लाइक रवीश कुमार, देर आर मेनी पीपल दे लाइक अ लॉट रवीश कुमार. इट्स नॉट अबाउट लाइकिंग और नॉट लाइकिंग, इट्स अबाउट द इंडियन पर्सन. ही इज लाइक अक्लेम्ड बाय द इंटरनेशनल लेवल फॉर हिज वर्क, फॉर हिज डेडिकेशन, एंड ही गॉट द अवार्ड. तो याद रखना विल बी वेरी क्रूशियल फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, तो चलो अब बारी आ गई है हमारे आंसर्स चेक करने की. सो नाउ एवरीथिंग इज डन रिगार्डिंग रायमन मैगसेसे, अब आंसर्स चेक करते हैं बिकॉज आंसर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस. ओके, सो चले आंसर स्टार्ट करें. शैल वी स्टार्ट? यस गाइज. ओके चलो बोलो जल्दी, स्टार्ट करना है. पेन और पेज ले लीजिए. Okay. करें स्टार्ट. यस, ठीक है, चलो. सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, पहले क्वेश्चन की बारी आ गई है. चलो ध्यान दीजिए. QIP इज वन ऑफ द मेथड रेज टू कैपिटल. व्हाट डज पी स्टैंड्स फॉर? यस, पी स्टैंड्स फॉर, बताइए पी किस चीज के लिए स्टैंड करता है? QIP का पूरा फुल फॉर्म बता दीजिए जिस किसी को पता होगा. के पी स्टैंड्स फॉर, तो ऑलरेडी हमें प्लेसमेंट पता है. गिव मी द पूरा का पूरा फुल फॉर्म ऑफ QIP. QIP का पूरा फुल फॉर्म दे दीजिए. आई विल एक्सप्लेन एग्जैक्टली QIP क्या होता है. यस, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ QIP? इट इज वन ऑफ द यूनिक थिंग विच इज लॉन्च बाय सेबी ओनली पूरे वर्ल्ड में. एक्चुअली सेबी ने लॉन्च किया हुआ कंसेप्ट है. के यस, बताइए QIP का फुल फॉर्म किसी को पता है? Anyone? What is the full form of QIP? Yes, I'm asking you people also. No one knows. किसी को भी नहीं पता? Qualified Institutional Placement. क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट की हम लोग बात करते हैं. क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट क्या होता है? आई विल एक्सप्लेन यू एक्जैक्टली इसका इस पर्टिकुलर टर्म का मीनिंग क्या होता है. क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, ध्यान दीजिएगा. क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट का मतलब ये होता है दोस्तों कि नॉर्मली सेबी ने क्या किया है, जितनी कंपनियां हमारे शेयर मार्केट में लिस्टेड है, अगर उनको वापस नए शेयर्स मार्केट में बेचने के लिए लाना है या अगर उनको नई इक्विटीज मार्केट में बेचने के लिए लानी है, तो उनको कोई भी पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं है. वो विदाउट एनी पेपर वर्क मार्केट में आके अपने इक्विटीज बेच सकते हैं, अपने शेयर्स बेच सकते हैं, ताकि जल्दी से जल्दी उनको शेयर्स बेचने के लिए जल्दी जल्दी वो शेयर्स बेच पाए. ओके, नॉर्मल होता कैसे मार्केट के अंदर, देयर आर टू थिंग्स, IPOs और FPOs. IPOs जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर्स बेचती है तो इसको हम लोग IPOs कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. वो टाइम पे आपको सेबी की परमिशन लेनी पड़ेगी. जब आप नेक्स्ट टाइम फिर से नए शेयर्स बेचने के लिए लाओगे तो QIP क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट इस मैकेनिज्म के अंदर आपको वापस सेबी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है. आप डायरेक्टली आके शेयर्स बेच सकते हो. इसके वजह से होगा कैसे कि मार्केट में और ज्यादा शेयर्स आएंगे और जितने ज्यादा शेयर्स इंडियन मार्केट में आएंगे उतना इंडियन मार्केट बूम करेगा, उतना लिक्विडिटी हमारे मार्केट में बढ़ सकती है. एंड फॉर दैट रीजन पूरे वर्ल्ड में यह स्टार्ट करने वाला पहला कंट्री इज इंडिया. सेबी ने पहली बार इसको स्टार्ट किया था सो दैट कंपनीज कैन सेल देयर शेयर्स विदाउट एनी पेपर वर्क. किसी पेपर वर्क करने की उनको जरूरत नहीं पड़ेगी. और यह क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट यह सिर्फ और सिर्फ इंडियन कंपनी के लिए अलाउड होता है. फॉरेन कंपनी के लिए QIP वाला नॉर्म अलाउड नहीं होता है. ओके, सो दैट इज द सिनेरियो. सो FPOs के अंदर फॉलोड पब्लिक ऑफरिंग जो होती है उसके अंदर इसका यूज हम लोग करने वाले हैं. दैट इज द सिनेरियो. ओके, तो याद रखेगा दैट इज कॉल्ड क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इन द म्यूचुअल फंड सेक्टर. म्यूचुअल फंड सेक्टर की हम लोग बात कर रहे थे. ओके, सो अंडर द म्यूचुअल फंड सेक्टर एसेट्स सिविलाइजेशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया. ओके, सो जो हमारे एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, वेरी सॉरी, ओके, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया. ओके, 1995 में इसको क्रिएट किया गया था. एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया 1995 में क्रिएट किया गया. जितने भी म्यूचुअल फंड इंडिया में हैं वो सारे इसमें रजिस्टर्ड होते हैं. ये सारे इसके अंदर नोटिफाइड होते हैं और वो सारे मिलकर एक साथ काम करते हैं. तो इनके ऊपर इनडायरेक्टली वॉच रखने का काम ये AMFI करता है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया, AMFI. ओके, फिलहाल के कंडीशन में निमेश शाह
ये उसके प्रेसिडेंट है, ये उसके हेड है, 1995 में ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की गई थी म्यूचुअल फंड्स के ऊपर वॉच रखने के लिए. ओके, सो याद रखिएगा, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड. ओके, यस, थोड़ा बात करते वक्त थोड़ा सा इधर का उधर हो गया था, ठीक है. चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3. Insolvency and Bankruptcy Board of India handles the cases using, okay, जो भी IBC के अंदर केसेस आएगी, जो भी Insolvency Bankruptcy के अंदर केसेस आएगी, वो केसेस सॉल्व करने के लिए दो कोसी जुडिशियल अथॉरिटीज हमारे पास है. दो कोसी जुडिशियल का, कोसी जुडिशियल का मतलब होता है हाफ जुडिशरी और हाफ एडमिनिस्ट्रेटिव. ऐसी दो अथॉरिटी हमारे पास है, एक का नाम है NCLT और दूसरे का नाम है डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल. डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल बहुत पुरानी अथॉरिटी है, okay, इवन सर्फेसी के पहले बनाई गई थी डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल 1990s में. NCLT नेशनल कंपनीज लॉ ट्रिब्यूनल ये अभी अभी बनाया गया है, तो ये दोनों मिलके हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करते. तो आंसर रहेगा आपका बी एंड सी. ओके, दैट इज द सिनेरियो. बहुत लोग शायद 2 मार्क करके आ जाएंगे, ये भी गलती हो सकती है क्योंकि IBC अभी फिलहाल न्यूज में चल रहा है और सब लोग NCLT का ही नाम पढ़ रहे हैं, पर ये दोनों उसके अंडर आते हैं. तो आपका आंसर यहां पे रहेगा 5, बोथ बी एंड सी. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर तो कोई गलत नहीं कर सकता. ओके, सो इट्स ऑल अबाउट द क्रेडिट रिस्क. ओके, नो वन इज गोइंग टू मेक इट रॉन्ग, कोई रॉन्ग नहीं करेगा. ठीक है, इसमें इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए आपकी. ओके, तो याद रखिएगा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीन. ठीक है, क्रेडिट रिस्क एवरीवन नोज अबाउट दैट, मार्केट रिस्क एवरीवन नोज अबाउट दैट. जब मार्केट इज नॉट डूइंग गुड, सो दैट टाइम पे वी विल टॉक अबाउट द मार्केट रिस्क. ओके, सो यहां पे गलती मत कीजिएगा. चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन वेरी सिंपल, MDR. ओके, MDR का फुल फॉर्म कोई बताएगा? MDR फिलहाल न्यूज में चल रहा था. कोई बताएगा MDR का फुल फॉर्म? एनीवन? यस, MDR इज इन न्यूज राइट नाउ, मर्चेंट डिस्काउंट रेट. एग्जैक्टली, मर्चेंट डिस्काउंट रेट वॉज इन न्यूज राइट नाउ बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बजट के अंदर मर्चेंट डिस्काउंट रेट कम कर दिया, मर्चेंट डिस्काउंट रेट माफ कर दिया. मर्चेंट डिस्काउंट रेट के अंदर सीन क्या होता है, मर्चेंट्स, जब भी कोई मर्चेंट नॉर्मली कार्ड स्वाइप करवाते थे, तो कार्ड स्वाइप करवाते वक्त उनको 10%, 2%, 3% वो चार्ज करते थे, उनके ऊपर चार्जेस लगाए जाते थे. तो मर्चेंट डिस्काउंट रेट को फिलहाल माफ कर दिया गया है, उसको कम किया गया है, एंड दैट इज द सिनेरियो. सो आपका आंसर यहां पे रहेगा 3, डिस्काउंट. ओके, तो याद रखना, विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. बजट में चल रहा था, तो बजट में अगर कोई चीज मेंशन होती है तो उसके ऊपर क्वेश्चन पूछने के चांसेस बढ़ जाते हैं, थोड़ा उसके तरफ ध्यान रखिएगा. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. चलो ये बताइए, यस, टेल मी अबाउट दिस. ओके, IDF का फुल फॉर्म बताइए. मेरा क्वेश्चन है, IDF का फुल फॉर्म बताइए. What is the full form of IDF? Only 2% चार्ज नहीं करते सर, 10% तक का चार्जिंग लगता है, 10% तक का चार्जिंग जाता है. Tell me the full form of IDF. कोई बताएगा IDF का full form? Anyone? इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड. NBFC की हम लोग यहां पे बात करेंगे, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज की हम लोग बात करेंगे. दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड नाम का एक फंड होता है. ओके, सो ये NBFC के अंदर आता है. इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड्स ये ट्रस्ट के नाम पे बनेंगे और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड ये कंपनी के नाम पे बनेंगे. जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड ये ट्रस्ट के नाम पे बना वो नॉर्मली म्यूचुअल फंड कैटेगरी में जाता है. तो अगर ट्रस्ट है, अगर म्यूचुअल फंड है, IDF MF लिखा होगा तो ये ट्रस्ट के फॉर्म से बना होगा, IDF NBFC लिखा होगा तो कंपनी के नाम पे बनेगा, और IDF MF अगर लिखा है, म्यूचुअल फंड अगर लिखा है तो उसके ऊपर सेबी का वॉच रहेगा. IDF NBFC अगर लिखा है तो उसके ऊपर वॉच रहेगा, विल बी मोस्टली द वॉच विल कीप बाय द RBI. तो याद रखना, दो टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड होते हैं. ये इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करने वाली कंपनीज को ये लोग हेल्प करते हैं, तो इसमें म्यूचुअल फंड भी रहेगा, NBFC भी रहेगी. म्यूचुअल फंड है तो हमारा जाएगा सेबी के अंदर, अगर NBFC है तो हमारा जाएगा RBI के अंदर. याद रखना, उसमें गलती मत करना क्योंकि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए. यहां पे काफी क्वेश्चंस पूछते हैं. ये नॉर्मली इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को रीफाइनेंस करता है. जो भी प्रोजेक्ट्स लॉस में जा रहे होंगे इनको रीफाइनेंस करने के लिए इन्हें IDF बना के रखा हुआ है. ठीक है, आगे जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. चलो बताइए, ये बहुत सिंपल था.
कि रिटेल बैंकिंग इज कॉल्ड एज अ कंज्यूमर बैंकिंग, ठीक है. सो मर्चेंट बैंकिंग होती है जहां पे बिजनेसमैन इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग अगेन व्हेन होलसेल बैंकिंग जहां पे बड़े बड़े कंपनियां ही सिर्फ आएगी. सो वी आर हैविंग द कंज्यूमर बैंकिंग ओवर हियर. ओके, सो बड़ा सिंपल था. सेबी बैन एनएससी फॉर सिक्स मंथ्स, यहाँ पे उसका रिलेशंस उसके वजह से बैन नहीं किया है सिक्स मंथ्स में. ओके, इज नॉट बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, उसके लिए नहीं किया हुआ है. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन वेरी सिंपल, फुल फॉर्म ऑफ पीसीआर. पीसीआर एक्चुअली लास्ट ईयर बहुत न्यूज में चल रहा था, पर आफ्टर सीआईएमएस, अभी जब इस साल जो सीआईएमएस इंट्रोड्यूस किया, कल ही हमने सीआईएमएस के ऊपर डिस्कस किया था, सीआईएमएस इंट्रोड्यूस करने के बाद पीसीआर वापस एक बार न्यूज में आ गया, पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री. ओके, लास्ट ईयर इसको लॉन्च किया गया था और इस साल सीआईएमएस लॉन्च किया गया. ओके, पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, सीआईएमएस क्या होता है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, दोनों की तरफ ध्यान रखना. चांसेस ये है कि शायद इसके ऊपर पीसीआर के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, पर सीआईएमएस के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं. पीसीआर में हमने क्या किया, इंडिया में जितने बोरोवर्स है, जितने भी इंडिया में बोरोवर्स है, उनकी सारी इंफॉर्मेशन आरबीआई एक जगह इकट्ठा करेगा, उसको हम पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री कहते हैं, नाम से समझ में आ जाएगा. ओके, सीआईएमएस सेंट्रलाइज इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम. सेंट्रलाइज इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आरबीआई इंडिया में जितने भी लोग फाइनेंस में डील कर रहे हैं, जितने भी लोग पैसे में लेन देन का काम कर रहे हैं, वो सारी की सारी इंस्टीट्यूशन की इंफॉर्मेशन ये सीआईएमएस के पास रहेगी. और यहाँ पे पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री में जिन जिन लोगों ने लोन लिया है, बैंक से लिया होगा या किसी और से भी लिया होगा, उन सबकी इंफॉर्मेशन इसके अंदर रहेगी. तो यहाँ पे बोरोवर्स का लिस्ट रहेगा और सीआईएमएस के अंदर सबका लिस्ट रहेगा जो भी इंडिया में पैसे में लेन देन करते हैं. सो दो सिस्टम्स है, ट्रांसपेरेंट सिस्टम से आरबीआई ने बना के रखी है, जिसके बाद आरबीआई का रेपुटेशन और बढ़ गया है अकॉर्डिंग टू बेजल नॉर्म्स. ओके, तो याद रखना इनको ध्यान में रखते हुए ये हमने इंप्लीमेंट किया हुआ है. ओके, नहीं अभी तक ऑफिशियल मर्जर अभी तक नहीं हुआ है. ओके, अभी तक देयर इज नो ऑफिशियल मर्जर. ठीक है, पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री ये किस कमिटी के कहने पर बना था, ये क्वेश्चन डाला हुआ था. सो वाई एम देवस्थली, यहां पर आप गलती मत कीजिएगा. ओके, यस, फॉर सीआईएमएस आरबीआई जॉइंड टीसीएस, आरबीआई ने टीसीएस के साथ टाइप किया फॉर सीआईएमएस. और ये भी जो पीसीआर है ये भी उन्हीं के पास देने वाले, मर्जिंग की बात चल रही पर अभी तक मर्जर फाइनल नहीं है. ठीक है, ये वायम देवस्थली, ये सिंपल क्वेश्चन था. ओके, यहाँ पे बहुत लोग गलती कर सकते हैं क्योंकि इधर उधर थोड़े से नाम ऊपर नीचे कर दिए तो. ठीक है, नाउ दिस क्वेश्चन, यहाँ पे बहुत लोगों ने गलती की होगी, बहुत लोगों ने विरल आचार्य मार्क किया होगा या कर सकते थे, बिकॉज विरल आचार्य साहब अभी रिसेंटली रिजाइन कर दिए. एक्चुअली पीसीआर बनाने का पूरा आइडिया, पूरा का पूरा काम विरल आचार्य साहब ने किया था. विरल आचार्य साहब ने रिजाइन करने के बाद उनकी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज ये बीपी कनुनगो के पास चली गई है. सो उनके पास वो सारी अभी सारे काम उनके पास चले गए. इवन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर विरल आचार्य साहब बैठते थे, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी इनके पास जा चुकी है. तो याद रखना सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नाउ गोज टू द अवर ओल्ड डेप्यूटी गवर्नर. याद रखना जब तक नए डेप्यूटी गवर्नर नहीं आते तब तक सारा काम यही हैंडल करने वाले हैं. ठीक है, सो याद रखिएगा. चलो नेक्स्ट. नाउ मैंने कहा था पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री, ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर. जिन जिन से जहां जहां से लोन लिया गया होगा वो सारे लोन की इंफॉर्मेशन ये आपकी पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री के अंदर रहेगी. सो ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर. ओके, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनारियो. ठीक है, यस, एमपीसी के अभी नए मेंबर बने वही मैंने कहा था. ओके, सो लुक एक चीज के, यस सर, विरल आचार्य साहब को रिप्लेस करके वो अभी तक नहीं आए हैं फिलहाल के. जब तक नए डेप्यूटी गवर्नर नहीं बनते तब तक विरल आचार्य साहब की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास जा चुकी है. ओके, दैट डजंट मीन ही इज रिप्लेस विरल आचार्य. तो गलती मत कीजिएगा. ओके, बिल्कुल भी गलती मत कीजिएगा, विल बी गुड फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, नाउ यहां पे था रिगार्डिंग ऑल ऑफ द अबव, जिस किसी से लोन लिया गया होगा उसकी सारी इंफॉर्मेशन पीसीआर में रहेगी, दैट इज अ सिनेरियो. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं. मॉर्गेज लोन, नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ जब भी सिक्योरिटीज प्रेजेंट करते हैं, जब भी लोन लेते वक्त जब भी हम लोग सिक्योरिटीज प्रेजेंट करेंगे तो सिक्योरिटीज के मल्टीपल टाइप्स होते हैं. कि उसमें से एक सिक्योरिटी का टाइप है मॉर्गेज. जब मॉर्गेज करेंगे तो इट इज सिक्योरिटी अगेंस्ट द इमूवेबल और द फिक्स्ड प्रॉपर्टी. यहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी रहेगी. अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसको मॉर्गेज नहीं कहेंगे, उसको प्लेज कहते हैं. ओके, देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज, वो सारी सिक्योरिटी मैं आपको बताऊंगा, पर याद रखना यहां पे इमूवेबल है. उसके बाद ये लॉन्ग टर्म के लोन्स रहेंगे एंड इट इज रीपेड विद अ स्मॉल मंथली इंस्टॉलमेंट. तो योर आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. ओके, नाउ वी आर हैविंग दिस फोर, दिस आर द टाइप्स. ओके, इन टाइप्स के अंदर हमारी अलग अलग सिक्योरिटीज होती है. जब भी लोन हम लोग लेते हैं तो लोन लेते हो तो हम जब सिक्योरिटी मेंशन करेंगे हम कोलैटरल्स रखेंगे. तो कोलैटरल्स के टाइप्स यहाँ पे दिए गए. मूवेबल एसेट्स के लिए प्लेज है,
हाइपोथेकेशन है एंड लीन है. सो वी आर हैविंग दिस थ्री थिंग्स जहां पे मूवेबल एसेट्स को एज अ प्रॉपर्टी करके रखा जाएगा. ओके, फॉर एग्जांपल अगर प्लेज है तो प्लेज में हम लोग गोल्ड गिरवी रखेंगे बैंक के पास या बॉन्ड्स गिरवी रखेंगे बैंक के पास और उससे हम लोग लोन लेने वाले हैं. तो इसका मतलब प्लेज होता है. हाइपोथेकेशन का मतलब हाइपोथेकेशन के अंदर भी वही होगा कि आपके पास यहां पे आपको मूवेबल प्रॉपर्टी रखनी है पर ये प्रॉपर्टी आपके पास रहेगी, ये बैंक के पास रखने की जरूरत नहीं है. प्लेज में क्या होता है, प्लेज में भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, सॉरी प्लेज में भी मूवेबल प्रॉपर्टी है पर आप किसके पास रखने वाले हो, बैंक के पास रखने वाले हो, और यहां पर भी मूवेबल प्रॉपर्टी है पर यह आपके पास रहने वाली है. ओके, दूसरा होता है लीन. लीन के पास भी यहां पे भी मूवेबल एसेट्स है पर आप कहां रखने वाले हो, बैंक्स के पास. तो याद रखना ये दो तीन चीजें बहुत मैटर करने वाली है कि आप कहां कहां रखते हो और ये सारा आपका मूवेबल एसेट्स के अंदर आएगा. इमूवेबल एसेट्स के अंदर एक ही चीज आती है, दैट्स कॉल्ड मॉर्गेज, बाकी कुछ भी नहीं आएगा. तो आपको ये ध्यान में रखना जरूरी है, यहां पे आपको काफी क्वेश्चन आने वाले हैं. तो ये जो इमेज है दोस्तों इसके तरफ ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मूवेबल एसेट्स में क्या क्या सिक्योरिटी रखते हैं, इमूवेबल में क्या क्या सिक्योरिटीज रखते हैं, देन लेंडर मीन्स बैंक के पास क्या जाएगा और हमारे पास क्या रहेगा. ये सारे पॉइंट्स यहां पे मेंशन करके रखे हुए हैं, याद रखिएगा. यहां पे काफी क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं, विल बी वेरी क्रूशियल फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. नाउ नेशनल हाउसिंग बैंक किस कमिटी के कहने पे बनी थी, उनका नाम यहाँ पे सी रंगराजन. नेशनल हाउसिंग बैंक की अगर बात करें तो 1987 के एक्ट से 1988 को, ओके मेरे ख्याल से 9th ऑफ जुलाई 1988 को नेशनल हाउसिंग बैंक क्रिएट किया गया, 1987 में लॉ बनाया गया था. ओके राइट नाउ, ओके यू वॉन्ट द डिफरेंस बिटवीन लीन एंड प्लेज, आई विल एक्सप्लेन द डिफरेंस. ओके जस्ट टू मिनट्स. ओके नाउ 1987 में लॉ बना एनएचबी का और 1988 में एनएचबी क्रिएट हुई थी, याद रखना. दूसरा, राइट नाउ एनएचबी के हेड कौन है, नेशनल हाउसिंग बैंक के हेड कौन है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं. ये रिसेंट चेंज हुआ है नेशनल हाउसिंग बैंक के हेड का नाम. ओके कोई बताएगा मुझे, हु इज द हेड ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक? यस हु इज द हेड ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक? होटा. यस होटा साहब इज द हेड. नाउ हमारे दोस्त ने क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेज एंड लीन, के प्लेज और लीन में डिफरेंस क्या होता है, ध्यान दीजिए. इन केस ऑफ प्लेज एंड लीन बोथ मूवेबल एसेट्स हैं जैसे आप यहां देख सकते हो, और दोनों का दोनों मूवेबल एसेट किसके पास जाएंगे, बैंक्स के पास जाएंगे. पर प्लेज का सीन है, इफ यू आर नॉट पेइंग द लोन, अगर आप लोन पे नहीं कर रहे हो तो प्लेज के अंदर जो आपने गिरवी रखा वो बैंक किसी को भी बेच सकती है, दे कैन सेल टू एनीवन. इफ यू आर नॉट पेइंग द लोन, सो वॉट एवर यू आर केप्ट अंडर द नेम ऑफ प्लेज, यू द बैंक्स कैन सेल इट टू एनीवन, बैंक कैन सेल इट टू डैम एनीवन एंड एनी टाइम. बट इफ यू आर कीपिंग समथिंग इन द फॉर्म ऑफ लीन, अगर आप लीन के नाम पे कुछ रखते हो बैंक के पास, तो बैंक भले आप लोन ना पे करो, भले आप लोन नहीं पे कर रहे हो, पर बेचने से पहले बैंक को आपको पूछना पड़ेगा, बेचने से पहले बैंक को आपकी परमिशन लेनी पड़ेगी, दैट इज द डिफरेंस. तो यहां पे परमिशन की जरूरत नहीं है बेचने से पहले, पर यहां पे परमिशन लेनी पड़ेगी, दैट इज द डिफरेंस. ये उसका बीच का डिफरेंस है. ठीक है, ओके, सो दैट इज द डिफरेंस. आई होप यू अंडरस्टूड द डिफरेंस. ओके राइट, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. ओके, एचएफसी का फुल फॉर्म पूछा था, बड़ा सिंपल था, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, वेरी सॉरी. ओके, अगर ये क्वेश्चन बैक टू बैक आ गए इसलिए शायद ये क्वेश्चन बहुत इजी बन गया था, अगर ये बैक टू बैक नहीं डालता तो शायद ये क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट बन सकता था. ओके, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी इज अ टाइप ऑफ एनबीएफसी, एनबीएफसी होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती है. ओके, इसके ऊपर भी एनएचबी वॉच रखने वाला है, पर आरबीआई का भी, इनको आरबीआई का भी सर्टिफिकेट लगता है काम करने से पहले, सो दैट इज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी. ओके, फिलहाल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के बहुत ज्यादा फ्रॉड्स बाहर निकल रहे हैं, आईएलएनएफएस डूबने के बाद हाउसिंग फाइनेंस कंपनी बहुत ज्यादा लॉसेस में जा रही है, दैट्स व्हाई इट इज इन न्यूज. ओके, फाइन वनिता, आई विल एक्सप्लेन इट इन इंग्लिश सून. ओके, आई विल एक्सप्लेन इट इन इंग्लिश. ओके, सो जस्ट विल फिनिश अप दिस क्वेश्चंस एंड देन आई विल एक्सप्लेन अगेन इन इंग्लिश. ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग द यूपीआई, सो वाज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, इससे इजी क्वेश्चन तो आ नहीं सकता, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, सो यू कैन गो थ्रू दैट. ओके फाइन, इसमें तो कोई गलती नहीं हो सकती किसी की. नाउ हियर यू कैन मेक द मिस्टेक्स, यहां पे मिस्टेक्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं कि एग्जैक्टली बैंकिंग ऑम्बुड्समैन किस सेक्शन के अंदर आता है, दिस सेक्शंस आर गोइंग टू क्रिएट द प्रॉब्लम. नो
Yes, sir. HFCs are always, look, whenever there is a housing finance, NHB will be regulate day-to-day activities. And for certifications, they require RBI's permission. Okay. Yes, sir. Don't do the mistake. Day-to-day activity will be always regulated by the NHB regarding housing finance companies, wherever now for the certification purposes, they require to go to the RBI. Earlier, they didn't require to go to the RBI, but now they require to go to the RBI. That is the only change happened, but regulator is still NHB. Okay, don't make the mistakes. Okay, so here is simple, that is section 35A. Yahan pe kisi ki galti nahi hui hogi. Okay, now ombudsman in India. Ombudsman ke rules we have changed from 1995, we are having banking regulation at 1949, okay. But 1995 was the first time we have started banking ombudsman in India. Then in 2002, we have made some changes, and in 2006, again we have made some changes. So like there are three amendments, they are very important, 1995, 2002 and 2006. So whatever the things are going on right now, it is according to 2006. So just remember that part will be very, very important, okay. Yes. Yeah. Now, this is a simple question. Last year also, the same institution got the award, and this year also, the same institution got the award. Okay. So, in somewhere you will see 2017-18, and now it's 18-19, and they got this particular award. Okay. So, yaad rakhna will be very, very crucial. Okay. Chalo. Next. Now, FFMCs, M stands for money, okay, but what is FFM stands for? FFMC, what is the full form? What is the full form? Koi batayega? What is the full form? Yes. Yes, anyone, can you tell me the full form? सेक्शन 10 के अंदर आता है, एक्ट में आपको बता दूंगा, बट कैन यू टेल मी द फुल फॉर्म. चलो मैं एक्ट में एक्ट भी आपको बोलता हूं. फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 1999 सेक्शन 10 एफएफएमसी कम्स, उसके अंदर एफएफएमसी आते हैं. ओके, किसी को फुल फॉर्म नहीं पता? फुल फॉर्म इज फुल फ्लेज मनी चेंजर. फुल फ्लेज मनी चेंजर, तो जो भी फॉरेन करेंसी आती जाती है उनको एक्सचेंज करने के लिए जो लोग इंडिया में काम करते हैं उसको हम लोग एफएफएमसीज कहते हैं. तो फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का सेक्शन 10 के अंदर एफएफएमसीज को सर्टिफिकेशन मिलता है कि नाउ दे कैन डू फुल फ्लेज मनी चेंजर. तो याद रखना, दीज आर द पीपल, दीज आर द इंस्टीट्यूशंस हु कैन एक्सचेंज द मनी, जो फॉरेन करेंसीज को एक्सचेंज करने के लिए हेल्प कर सकता है. सेक्शन 10 ऑफ द फेमा, याद रखना, इसमें कोई गलती मत कीजिएगा, विल बी वेरी क्रूशियल फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, फेमा के अंदर ये लोग आते हैं. फेमा तीन तरह के लोग आते हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड द फुल फ्लेज एमसीज. ओके, सो फुल फ्लेज मनी चेंजर्स, ये तीनों कैटेगरीज के लोग ऐसे होते हैं जो फॉरेन एक्सचेंज कन्वर्ट करवाने के लिए हेल्प कर सकते हैं. कैटेगरी 1 के अंदर सारी बैंक्स आती है, कैटेगरी 2 के अंदर कुछ इंस्टीट्यूशंस आती है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आती है जो मनी एक्सचेंज के लिए हेल्प कर सकती है, और यहां पे इंडिविजुअल लोग आते हैं जो आपको मनी एक्सचेंज करने के लिए हेल्प कर सकते हैं, फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज करने के लिए हेल्प कर सकते हैं. ओके, सो दैट इज अ इंपॉर्टेंट थिंग. बैंकिंग एक्ट, लाइक आई विल ट्राई टू टेक द लेक्चर. ओके, या मीन्स फॉरेक्स, एग्जैक्टली इट्स फॉरेक्स. ओके, बट याद रखना फुल फ्लेज मनी चेंजर, बट एक्ट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट. फॉरेक्स मैनेजमेंट एक्ट ऐसा कोई एक्ट नहीं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट. ओके, एब्सोल्युटली राइट. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. इट वॉज वेरी इजी, जिसने अच्छे से पढ़ा उसको पता होगा. पीयर टू पीयर लेंडिंग, पी टू पी लेंडिंग, इसका मतलब होता है पीयर टू पीयर लेंडिंग की हमने यहां पे बात की थी. फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, नो वन विल कम इन बिटवीन, कोई भी उसके बीच में नहीं आएगा. ओके, एंड दैट इज अ पॉइंट इज मेंशन ओवर हियर. ठीक है, चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 20. अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, उसमें कोई भी गलती नहीं करेगा. ओके, ऐसे सिंपल क्वेश्चंस डालने तो बनते हैं, थोड़ा तो मोटिवेशन आपको मिलेगा. ओके, सो इट्स करंट अकाउंट, एवरीवन नोज दैट, नो वन इज गोइंग टू डू एनी मिस्टेक ओवर हियर. ठीक है, अगर ज्यादा सोचोगे तो गलतियां करोगे, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, आंसर इज सिंपल. ओके, नाउ नेक्स्ट. नाउ this is in news right now, IFRS is in news right now because international financial reporting standard. Okay, it's regarding accounting standard. Ye international accounting standard ke under kaam karta hai, is called as a international financial reporting standards. Recently India ne apne khud ke accounting standards start kiye, INDAS, humne kal hi dekha tha, I guess we saw yesterday only. INDAS, India started their own accounting standards. RBI notified that except RRBs, rest of the banks are going to follow these Indian accounting standards. Okay, so everyone is
going to follow. So international accounting standards ke liye jo organization hai uska naam hai international financial reporting standards. So yaad rakhna, no one is going to make a mistake. Okay, question might be they are not going to ask over here, but they are going to ask the question on INDAS. So uske taraf dhyan rakhega, will be very crucial for the exam point of view. Okay, chalo, next question hai. Money laundering means, बहुत simple question था money laundering के ऊपर, ये question इसलिए डाला गया था because there is one country who recently started like anti-money laundering act, anti-money laundering policy in their country. So can you tell me the name of the country who started anti-money laundering concept in their country? Recently, the first Arabian country who started anti-money laundering act in their country. So can anyone tell me the name of that country? Yes guys. Can anyone tell me the name of that country? Yeah, there can be confusion between 3 and 4, but 3rd is right. Yeah, country is UAE. GOAML is the name of that particular money laundering act they have started. So first Arabian country who started anti-money laundering act, that is GOAML, and that is UAE. Okay, so with that day we saw that exactly UAE is the answer. So don't get confused regarding that particular thing. Okay, Iran pe mat jaiyega, UAE is the answer. Theek hai, chalo, last question tha. Now, CDR, corporate debt restructuring. Okay, last year corporate debt restructuring was very much news because it was introduced by the RBI, and RBI was very much focused regarding corporate debt restructuring. Ki what are the corporates are taking loans, usko restructure karna padega. Iske liye RBI ne norms laye the. Okay, chalo, I will tell you regarding that. Corporate debt restructuring kya hota hai? So what are the corporate, what are the companies are there? If that companies taken loan from many banks, if companies that have taken loan from many banks, many NBFCs, then all NBFCs and banks, they will come together and they will decide together how to recover the loan and how to restructure the loan. So all the lenders, they will come together, they will sit together, and then they will decide ki how to restructure the loan. And for that reason, RBI initiated this called as a corporate debt restructuring. Okay, if corporate debt restructuring is not happening, then we'll go for the IBC, then we'll go for the insolvency bankruptcy code. So during Raghuram Rajan's tenure, we started with this idea. Then Urjit Patel Saab carry forward this idea, and this idea is still working and still is going on. Okay, so answer is corporate debt restructuring. Yaad rakhna, multiple lenders will come together and they will follow up the part. Okay, so there was one question of Vanita ma'am regarding pledge and lien. Okay, so I will repeat pledge and lien. Tab tak aap apne answers bata dijiye, kitne answer sahi hai, kitne answer galat hai. Okay, pledge and lien, it is a part of security. Whenever I am going to take the loan, during the taking loan, I have to keep something with the bank. I have to keep some securities with the bank. I have to keep some collaterals with the bank. So while keeping the collateral, pledge and lien, there are two types of collaterals. Pledge and lien, both are movable collaterals. Immovable nahi, only movable collaterals. But when will I keep the pledge? In the form of pledge, if I am keeping gold in the form of pledge, banks can sell that gold anytime, whenever they want, if I am not paying the loan. If I am a defaulter, bank will sell my gold to anyone without asking me. But if I am keeping the same gold in the form of lien, then if I am a defaulter, even though banks cannot sell that gold without my permission. Okay, so though I am keeping both the things with the banks, pledge as well as lien, but while selling the lien, they have to take my permission. But while selling the pledge, they don't require my permission. That is the difference. Okay, chalo. Kafi logo ke, chalo, achha score hai. Good, koi baat nahi. Okay. That's nice. Okay, so you people realize. Okay. You people realize how, what kind of questions they are going to ask. मैंने seriously बोल रहा हूँ, मैंने ज़्यादा difficult questions नहीं डाले थे. Okay, मैंने अभी तक budget और survey को touch भी नहीं किया था, वहाँ के one liner मैंने अभी तक नहीं डाले. Okay, so on Monday I am going to put all 50 questions in front of you. All 50 questions will be in front of you, and now then we are going to judge कि banking awareness कैसा है, and I am going to discuss those 50 questions also with you. Okay, so that test will be difficult. So on Monday, 4 to 5, I am going to discuss 50 questions from the banking awareness. And after that, I will go for the static GK. Then after that, whatever the demand you will be having, so I will cover that topic after that lecture. But these two lectures, static GK and the whole 50 questions on the banking awareness and financial awareness, Monday and Tuesday, aapka mark karke rakhega, dono din aapko aana hai. Theek hai?
चलो कोई बात नहीं, यस सर, डिस्कशन तो सही, उसके पहले के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, ठीक है। चलो बाय बाय, उसके पहले ठीक है, सो कुछ फॉर्मेलिटीज होती है जो हमें करनी पड़ती है, सो आइए हमारे अनअकैडमी प्लस के ऊपर, ओके, और सब्सक्रिप्शन मोड पे आइए एंड यूज, यू कैन यूज माय कोड एंड ऑब्वियसली विल गेट द 10% डिस्काउंट फॉर दैट, ओके। चलो, सो विल मीट यू ऑन मंडे फॉर दिस सेशन, और 8 बजे मिलते हैं विथ अवर करंट अफेयर सेशन, ठीक है। चलो ठीक है, चलो बाय बाय। ओके सर, हेमंत सर, आई विल ट्राई टू मिक्स एवरीथिंग, ओके, फॉर योर सेक, ओके, चलेगा, ठीक है, चलो बाय बाय। द नेम ऑफ द टेलीग्राम ग्रुप इज सेम, ओके, द नेम ऑफ द टेलीग्राम ग्रुप इज सेम, दैट इज अनअकैडमी स्टूडियो वॉल्ट, ओके, सो दैट इज द नेम, सेम नेम, ठीक है, चलो बाय।